वैसे तो मुझे इस वीडियो के माध्यम से आपको एक दुख भरी कहानी सुनानी थी, लेकिन उससे पहले कुछ कलाकारी दिखाते हैं आपको। तो मुझे अपने मेन चैनल के लिए एक लाइट वाला लोगो बनाना था और मुझे कुछ आइडिया नहीं था कैसे बनाना है। तो उसके लिए देखिए, ये हमारा लोगो था। इस लोगो पर मैंने एक 2x3 का ग्रिड अप्लाई किया, यानी कि लेंथ को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और ब्रेड्थ को 2 इक्वल लेंथ्स में डिवाइड कर दिया। और उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा लिया हर एक पार्ट को क्रॉप करके। जो हमारा लोगो था वो काफ़ी बड़ा सा हो गया। ये जो आपको कार्डबोर्ड का पीस दिख रहा है, ये मैंने एक LCD के पेटी में से लिया। जी हाँ, एक TV का अच्छा खासा डब्बा हमने बर्बाद कर दिया उसको बनाने में। फिर इन पीसेस को उस कार्डबोर्ड पर रख के एक आउटलाइन सर्कल बना लिया मैंने। इतनी थोड़ी बहुत पेंसिल से कलाकारी दिखाने के बाद फिर उसको कट भी करना था, तो हमने कैंची से स्टार्ट कर दिया कट करना, क्योंकि जब भी कुछ काटने की बात आती है मन में सबसे पहला सवाल कैंची आती है। लेकिन मुझे ध्यान नहीं था पेपर कटर नाम की भी कोई चीज़ है हमारे घर में, और वो इतनी पुरानी थी शायद, पता नहीं कितनी पुरानी थी। तो फिर मैंने पेपर कटर लिया, पेपर कटर से काटना स्टार्ट किया। क्योंकि लोगों में बाहर एक सर्कुलर फ्रेम था, इसलिए मैंने थोड़ी सी पेंसिल और चलाई और एक अंदर सर्कल और बना लिया ताकि उसका एक रिम टाइप बन जाए। और ये रिम जैसा बनाने के बाद उसके अंदर मेरे को वो RR और फिर वो क्राउन भी होल्ड करानी थी, तो उसके लिए मैंने एक प्लस जैसा निशान बना लिया ताकि वो हम इस पर स्टिक कर सकें। उतना सब कुछ ड्रॉ करने के बाद मैंने इसको कट कर लिया, और ये कट करने के बाद कुछ ऐसा दिखने लगा। और जो बाकी के पार्ट्स थे, जैसे कि वो क्राउन और वो RR, वो भी मैंने कट कर लिया और फिर उन पर कलर कर लिया। यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा कलाकारी दिखानी ज़रूरी थी, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो भी ब्लैक कलर का है, और मैं नहीं चाहता था कि ये लोगो असलियत में दिखे, क्योंकि इसके ऊपर जो लाइट्स लगने वाली थी मैं चाहता था केवल वही दिखे। इसलिए मैंने इन सब पे ब्लैक पेंट कर लिया, और इन सभी की एजेस पे फिर मैंने ये क्या बोलते हैं इसको, हाँ हाँ यही यही अरे यही जी हाँ, DSD टेप लगानी स्टार्ट की। तो मुझे पता है आप लोग सारे तो देखने वाले थे नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट मोशन में लगानी स्टार्ट की। इसी तरह से मैंने क्राउन पे और उस रिम पे पूरे पे ये DSD टेप लगा दी, क्योंकि इन सब की एजेस पे लाइट्स लगने वाली थी। उसके बाद ये RR और ये क्राउन मैंने उस प्लस के निशान पर जो मैंने बनाए थे उस पर चिपका दिए, तो ये हमारे लोगो जैसा लगने लगा। सभी एजेस पे मैंने DSD टेप भी लगा दी थी, और अब बस इन पे लाइट चिपकानी बाकी थी। और भाई वो इतना ज़्यादा मुश्किल काम आया, इतना ज़्यादा मुश्किल काम आया, उस वो अकेला काम करने में मुझे 5 घंटे लग गए। नियॉन लाइट तो मेरे को इस पूरे शहर में कहीं नहीं मिली, और जो मेरे पास लाइट्स थी उसको मैंने थोड़ा फोल्ड कर करके लगाना स्टार्ट किया ताकि देखने में अच्छी लगे लाइट्स, बट ऐसा करने में भाई हालत पतली हो गई मेरी। आप खुद ही देख लो ये करने में मुझे कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है भाई। एंड फाइनली जब सारी लाइट्स किसी तरह मैंने लगा दी, लाइट्स भी कम पड़ गई थी, मुझे 2 लाइट्स और लानी पड़ी, वो मैं ले गया, लगाई, कनेक्शंस करवाए इनके, और जब इनको जलाया, टाटाना, यहाँ पर ये लाइट्स मुझे दे गई धोखा। यार 2 दिन पूरे लगाने के बाद भी जब इसने ऐसे कर दिया ना, मेरे को इतना ज़्यादा दुख हुआ, इतना ज़्यादा दुख हुआ, इतनी मेहनत करने के बाद ये लाइट्स का यार क्या करें हम, ये चाइनीज़ माल। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अबे साले यार, लाइट्स ने तो मुझे धोखा दे दिया, लेकिन आप मत देना। अगर मेरी कलाकारी थोड़ी बहुत पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।